ऐतिहासिक स्थल बाबा पुरुषीतलाया स्वच्छता अभियान पखवाड़ा। फरमाना गांव के नौजवानों ने चलाया स्वच्छता अभियान पखवाड़ा। युवा क्लब फरमाना खास की तरफ से चलाया गया स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का अनुसरण करते हुए युवा क्लब फरमाना खास ने चलाया स्वच्छता अभियान पखवाड़ा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन को बढ़ावा देते हुए फरमाना गांव निवासी गांव के कई ऐतिहासिक जगहों पर की सफाई। महिलाओं पुरुषों व बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। युवा क्लब फरमाना खास ने शुरू किया सफाई अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान का अनुसरण करते हुए युवा क्लब फरमाना खास की तरफ से स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें गांव के कई महिलाओं व पुरुषों ने भाग लिया। युवा क्लब फरमाना की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन को भी बढ़ावा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सफाई अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये चला, इस मिशन को हम पूरा करना चाह रहे हैं। मेरे युवा साथी मेरे गांव के बुजुर्ग मेरे साथ हैं, तो हमारे ये धार्मिक स्थल है बाबा प्रसिद्ध का, तो इनके बारे में हमारे बुजुर्ग बताएंगे। तो हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए जोर देंगे और इसके मिशन को हम पूरा करेंगे। हम सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही मीडिया भाइयों का भी आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे इस अभियान के अंदर पूरा पूरा सहयोग दे रहे हैं। समाज के हर नागरिक को जागृत करना और गांव को साफ सुथरा और निर्मल रखना ये हमारा उद्देश्य है। हम चाहते हैं इस मिशन के अंदर हमारे 31 युवा काम करते हैं जो कि इस मिशन को अपने पथ पर लेकर चलने के बाद अंत तक पहुंचाएगी और हर गांव के नागरिक को जागृत कर दिया जाएगा कि सफाई ही इंसान के जीवन का सबसे अमूल्य आभूषण है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। इस मिशन को हम समृद्ध और स्वस्थ भारत के इस मिशन को हम आगे बढ़ा के तहे दिल से हम साथ चलेंगे और इस सपने को प्रधानमंत्री जी के इस सपने को पूरा करेंगे। ये तो मोदी जी ने चला था सफाई अभियान है बेटी बचाओ अभियान है, वह बच्चों की पढ़ाई के लिए काफ़ी गांव के सामूहिक काम है, हम उनको लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमने एक अपनी कमेटी भी बनाई है जो हमारी कमेटी अभी रजिस्टर्ड होने वाली है, ठीक है, और हमने 21 तारीख का एक बहुत बड़ा यहाँ प्रोग्राम भी करवाया था, काफ़ी संख्या में था वो प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा था। तो मोदी जी का जो एक सपना है कि अपने स्वच्छ भारत को स्वच्छ देखने का, हम उस सपने को पूरा करने पर लगे हुए हैं और तन मन धन से एक समाज सेवी बन के पूरा हमारा साथ, हमारा गांव फरमाना खास हमारे साथ है और भी अन्य आसपास के गांव हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं। और हम जो है ना, हम एक युवा क्लब से भी हमारे साथी हैं बहुत सारे और हमारी माता बहन, हम जो भी कुछ भी कार्य करते हैं विकास का गाँव के बारे में वो हमारा पूरा पूरा सहयोग करते हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मोदी जी का जो ये सपना है सफाई अभियान वाला जो भी है कि मतलब वो अपने भारत को जो स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो हम अपने पूरे भारत में ये हमारा संदेश पहुंचाना चाहते हैं हमारे कमेटी की तरफ से हमारे गांव की तरफ से कि हम मोदी जी का सपना पूरा करने पर लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने सफाई अभियान चला रखा है, इसमें हम आप नरेंद्र मोदी का सहयोग देंगे जी।
हम साफ सफाई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बहुत ध्यान दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी का हम पूरा सहयोग देंगे जी इसके बारे में। आज का जो सफाई अभियान चला है ये कौन सी जगह चला गया है? बाबा कुर्सी का नाम तो जी गलियों में चौपालों में हर एक जगह सफाई अभियान चला रखा है जी। हमारी सावधानी के मैं देखा गा भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सामरा सोरी फिर चौपाड़े मंदिर है गाल गलिया अपने साफ सफाई करा एक आज कौन सी जगह सफाई करी सफाई करी चौपाड़ में भी करी है बाबा पर करी है गलियों में करी है सारा साफ सफाई करा।